हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स, और हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इसके साथ अटैच कर दूंगी। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चन किए थे, जिसके अंदर मैंने 5 एग्जाम्पल दी थी। इस वीडियो के अंदर हम 4 एग्जाम्पल के द्वारा सिंपल इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम 6 करेंगे, क्योंकि जो 5 प्रॉब्लम्स हैं वो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है कर चुके हैं, उसका लिंक भी मैं इसके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। ए सम ऑफ मनी जो थी सिंपल इंटरेस्ट पे दी गई थी और अमाउंट टू 6,000 इन 3 ईयर्स। हमने कुछ पैसा उधार दिया था तो वो टोटल अमाउंट हो जाता है 6,000 इन 3 ईयर्स। उसी तरह वही सम 5 ईयर्स के अंदर हो जाता है 7,000। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ मनी निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है एज पर द स्टेटमेंट, टोटल अमाउंट इन 5 ईयर इज इक्वल टू 7,000, और ये जो 7,000 है इसमें से कुछ हिस्सा प्रिंसिपल का है, कुछ हिस्सा सिंपल इंटरेस्ट का है। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर इज इक्वल टू 7,000। उसी तरह जो दूसरा टोटल अमाउंट इन 3 ईयर दिया हुआ है 6,000, दैट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज इक्वल टू 6,000। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंस है कि 5 सालों में वो 7,000 हो जाता है और 3 सालों में वो 6,000 हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम रहता है, जो डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 7,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे हम, तो 2 सालों का जो ब्याज है वो 1,000 है। तो 1 ईयर का हम निकाल लेंगे, 1,000 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो आ जाता है ₹500। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर आ जाता है 3 × 5 = 1,500। तो अब देखो यहाँ पे हमें 3 सालों का ब्याज पता चल गया है और 3 सालों के अंदर जो अमाउंट हमने पे किया है डेट इज 6,000। तो 6,000 के अंदर से जब हम 1,500 सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 4,500। तो 4,500 जो है प्रिंसिपल है, इसको आप 7,000 में से भी, क्योंकि 5 ईयर का है तो 500 × 5 = 2,500 आ जाएगा, 7,000 में से 2,500 को माइनस कर दीजिए तो वो भी 4,500 आ चुका। तो इस तरह से आपने प्रिंसिपल निकाल लेना है। अब देखो हमारे पास प्रिंसिपल भी है और ड्यूरेशन भी है, टाइम भी है, और तो यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें। रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमें फार्मूला पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो 3 ईयर्स का है वो है 1,500 × 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल 4,500 का है, और टाइम जो है 3 ईयर्स का है। तो यहाँ पे 0,0 इसके साथ कट जाएंगे और ये 15 जो है 3, तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 9, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 11.11%। तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम 7। If the sum of interest on ₹850 for 3 year and ₹1,250 for 4 year at the same rate of interest is 302। देखो यहाँ पे हमें 2 राशियां बताई हुई हैं, एक हमें 850 बताया हुआ है उस पे जो इंटरेस्ट है 3 years का, और दूसरी राशि जो हमें बताई है 1,250 उस पे 4 years का। तो यहाँ पे दोनों का जो इंटरेस्ट बनता है वो है 302 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के अंदर सेम है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने निकालना है। तो पहले हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹850 फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि 850 जो है डेट इज द प्रिंसिपल, तो 850 के ऊपर हम 3 ईयर्स का जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इसका फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100।
और यहाँ भी क्या है कि रेट हमें नहीं बताया गया, उसको हमने आर ही ले लेना है। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल डाल दिया 850 इंटू आर, हमें नहीं पता, और 3 जो है डेट इज ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो 850 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 2550, 2550 या 2550 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आर, क्योंकि यहाँ पे आर हमें नहीं दिया। तो 850 पे हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हम दूसरे पे 1250 पे भी 4 इयर्स का जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 1250 इंटू आर इंटू 4, यहाँ पे भी देखो आर दोनों की सिचुएशन में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और दोनों में हमें आर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम 1250 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आर। तो यहाँ पे हमने 3 इयर्स 850 के ऊपर भी इंटरेस्ट निकाल लिया, 1250 के ऊपर भी 4 इयर्स का इंटरेस्ट निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इंटरेस्ट 2550 डिवाइडेड बाय 100 आर प्लस 5000 आर डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे हमारे पास ये टोटल हो जाता है 7550 आर। अब स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने हमें टोटल इंटरेस्ट दे रखा है, तो यहाँ पे हमने इसको जो हमने कैलकुलेट किया है इसको 302 के बराबर डाल दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 100 इधर चला जाएगा, 302 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7550। तो यहाँ पे 302 को जब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाता है 30,200, और उसको हमने 7550 से डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है 4%। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राम बोरोड रुपीज 1000 फ्रॉम श्याम एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राम ने श्याम से उधार लिया है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज 16% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट ही विल पे एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, कि 8 मंथ्स के बाद वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट तो ये है कि 8 मंथ्स के बाद वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा। सेकेंड पार्ट जो है, हैड ही बोरोड डबल द अमाउंट, कि अगर उसने डबल अमाउंट, इसका मतलब अगर 2000 बोरो किया है और सेम इंटरेस्ट पे किया है सेम पीरियड के लिए 8 मंथ्स के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो दूसरे पार्ट के अंदर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। पहले पार्ट के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 16% है, टाइम जो है 8 मंथ्स है, तो इसको ईयर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12, तो 2/3 ईयर्स आ गया है। तो यहाँ पे अब हमने फार्मूला हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड, वो अमाउंट हमने डाल देना है 1000 इंटू 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3, तो ये 100 100 इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये 10 into 16 160 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 320 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है 106.67। अब हमारा सेकेंड पार्ट जो है, देखो सेकेंड पार्ट के अंदर उसने कहा था कि अमाउंट हमने डबल लिया है, पहले हमने 1000 लिया था तो अब हमने 2000, उसके ऊपर सेम इंटरेस्ट 106.67 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट करना है, ड्यूरेशन भी 8 मंथ है, 8 मंथ को हमने कन्वर्ट किया था 2/3 इयर्स के अंदर, तो यहाँ पे अब हम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है 106.67 इंटू 100 और प्रिंसिपल है हमारा 2000 और टाइम जो है 2/3, तो ये 3 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हमने 2 0 इसके साथ कट कर देने हैं, या नहीं भी कट करते हम सिंपली जो है इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 इंटू 2 4000 आ जाता है, 106.67 इंटू 100 इंटू 3 आ जाता है 32000, इसको हमने 4000 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ जाता है 8%। इसी तरह हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल, प्रॉब्लम नंबर 9। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। देखो जो इंटरेस्ट है वो एक प्रिंसिपल के ऊपर
4/9 ऑफ द प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि नंबर ऑफ ईयर जो है डेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, नंबर ऑफ ईयर जो है डेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 4/9 ऑफ एक्स, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्ट है डेट इज 4/9 बाय ऑफ द प्रिंसिपल, तो 4/9 एक्स। और आर जो है इज इक्वल टू टी, रेट जो है डेट इज इक्वल टू टाइम, और ये दोनों चीजें हमें नहीं दी गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ पे देखो टी जो है आर के ही बराबर है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे पी इंटू आर तो डिवाइडेड बाय 100। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मैंने एस्टिक का साइन लिया है क्योंकि 4x डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100, तो प्रिंसिपल हमारा x है, तो 4x इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या है कि देखो 4 को हमने यहाँ पे हमने इसके साथ जो है तो ये x के साथ कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो x है वो इससे कट जाएगा, तो 400 डिवाइडेड बाय 9, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 9। तो दोनों तरफ जब हम स्क्वेयर रूट ले लेते हैं आर, जब हम स्क्वेयर रूट ले लेते हैं इस तरह से 400 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 20/3, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6/2/3%। तो इस तरह से जो है इतनी ही ड्यूरेशन है क्योंकि आर इज इक्वल टू टी, तो इस तरह से हमारा आर भी निकल आता है और टी भी निकल आता है।